आज हम डिस्कस करते हैं कंकेव मिरर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कंकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज आपको गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर, और आपको बोला गया कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। कौन से मिरर के सामने रखा है, कंकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। एंड फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब आपको कैलकुलेट करनी है तीन चीजें। फर्स्ट आपको पोजीशन की, इमेज मिरर से कितनी दूरी पर बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगी या फिर वर्चुअल इरेक्ट होगी, साइज कितना होगा। ऑब्जेक्ट का साइज आपको पता है 3 सेंटीमीटर, उससे एनलार्ज साइज की बनेगी या स्मॉल साइज की बनेगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर कंकेव मिरर कौन सा होता है, जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो और आउटर सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रिंसिपल एक्सिस को। ये मिरर का मिड पॉइंट होता है, इसको आप क्या बोलते हो, पोल बोलते हो। और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको पता है ये जो मिरर है ये एक स्फेरिकल स्फीयर का एक पार्ट होगा, उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला पॉइंट होता है फोकस। तो ये फोकस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब देखो यहाँ पर बोला गया कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी दूरी पर रखना है, 20 सेंटीमीटर दूर, और इस मिरर की फोकल लेंथ आपको बता दी गई 15 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस से पोल तक के बीच का डिस्टेंस। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखो अगर ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, F से P तक का डिस्टेंस अगर 15 है तो C से F तक का डिस्टेंस भी 15 होगा, क्योंकि फोकस क्या करता है, इस पूरे डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यार ये वाला डिस्टेंस भी 15 हुआ। अब देखो 15 + 5 सेंटीमीटर, यहाँ कहीं पे क्या रखा हुआ होगा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। ये डिस्टेंस कितना है मिरर से, 20 सेंटीमीटर है। अब देखो आपको बोला गया पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो देखो U की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर। B की वैल्यू आपको गिवन, सॉरी F की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 15 सेंटीमीटर, और उस ऑब्जेक्ट की हाइट आपको पता है कितनी, 3 सेंटीमीटर है। अब आपको फाइंड आउट करना है इमेज का डिस्टेंस। अब साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन फर्स्ट रूल क्या होता है, जितने भी डिस्टेंसेज होंगे कहाँ से मेजर किए जाएंगे, पोल से मेजर किए जाएंगे। सेकेंड, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। थर्ड, मिरर के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेज नेगेटिव होते हैं, मिरर के राइट साइड के सारे डिस्टेंसेज पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, मींस ये जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होने की वजह से यू की वैल्यू को हम क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे। इसी तरीके से पोल से फोकस तक का डिस्टेंस भी मिरर के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, इसलिए फोकल लेंथ को भी क्या लेकर चलना पड़ेगा, नेगेटिव लेकर चलना पड़ेगा। अब आपको याद होगा कोई भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है उसको हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं, जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है उसको हम नेगेटिव लेकर चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए एच की वैल्यू को क्या लेकर चलेंगे, पॉजिटिव लेकर चलेंगे। अब हमें क्या बताना है, इमेज का डिस्टेंस बताना है, तो हम यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/B = 1/B + 1/U। अब देखो वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पर। 1/F की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/-15 = 1/B, ये तो आपको फाइंड आउट ही करना है, प्लस 1/U, यू की वैल्यू आपके पास कितनी है, -20, तो 1/-20। इस टर्म को आप इधर लेकर जाओगे तो देखो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/B = 1/-15, माइनस साइन इधर आएंगे, माइनस साइन हो जाएगा, तो देखो --+1/20। तो देखो यहाँ पर 1/B = एलसीएम लिया हमने कितना, 60। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 - 4 + 3, तो इसको सॉल्व किया, 1/B = -1/60, तो B की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -60 सेंटीमीटर आ गई। तो देखो B की वैल्यू आप
आपके पास आई -60 सेंटीमीटर, मीन्स जो इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी, वो मिरर के लेफ्ट साइड पर बनेगी, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, मिरर के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, मिरर के राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं। अब v की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो मिरर के सामने बनेगी, मिरर के लेफ्ट साइड पर बनेगी। अब हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा होगा, सॉरी इमेज का नेचर कैसा होगा और उसका साइज क्या होगा। तो देखो v की वैल्यू हमारे पास आई -60 सेंटीमीटर, u की वैल्यू हमारे पास है -20 और h ऑब्जेक्ट का साइज आपको पता है 3 सेंटीमीटर है। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या इमेज का साइज कितना होगा। तो इमेज का साइज मीन्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमारे को m = h'/h। अब देखो यहाँ पर हमारे पास h की वैल्यू तो है कितनी 3 सेंटीमीटर, लेकिन ना तो हमारे पास m की वैल्यू है ना हमारे पास h डैश की वैल्यू है। तो b और u की फॉर्म में हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = -v/u। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस h को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाऊं तो हम h डैश की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो h = -v/u (h). तो देखो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है -60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई यू की वैल्यू आपके पास कितनी है -20 सेंटीमीटर इंटू में h, h की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास h डैश की वैल्यू कितनी आएगी -9 सेंटीमीटर आ जाएगी। मीन्स जो ऑब्जेक्ट जो है वो एनलार्ज साइज का होगा, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट का साइज कितना था 3 सेंटीमीटर और इमेज किस साइज की बनी है 9 सेंटीमीटर के साइज की बनी है। अब देखो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइज साइन जो होता है वो किसके बारे में बताता है, यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन होगा ये बताएगा कि जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियर और इन्वर्टेड इमेज होगी। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें पता था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता था, आपको पता था फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का साइज पता था। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला यूज किया, आफ्टर साइन कन्वेंशन जो भी वैल्यूज आई उनको मिरर फॉर्मूले के अंदर पुट करके हमने फाइंड आउट किया v की वैल्यू, इमेज का डिस्टेंस वो आया हमारे पास -60 सेंटीमीटर, नेगेटिव साइन होने का मतलब इमेज कहाँ पर बनेगी, मिरर के सामने मीन्स मिरर के लेफ्ट साइड पे बनेगी। उसके बाद हमें निकालना था साइज ऑफ इमेज, साइज कैसे पता लगेगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = h'/h। अब देखो m की वैल्यू भी नहीं पता है, h डैश की वैल्यू भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन को u और b की फॉर्म में फॉर्मूला यूज करेंगे। तो m = -v/u क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने h डैश की वैल्यू निकाली, सारी वैल्यूज को पुट किया, h डैश की वैल्यू आई हमारे पास -9 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो इमेज होगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो देखो नेचर भी हमें पता चल गया कि इमेज कैसे नेचर की होगी, रियल और इन्वर्टेड नेचर की होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब आपको पता है देखो कनकेव मिरर कौन सा होता है, जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो और आउटर सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो, ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। मिरर का मिड पॉइंट क्या होगा, पोल होगा, ये पॉइंट होता है फोकस, ये पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको पता है फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस। अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखो ये जो मिरर है ये किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा, उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से सरफेस तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, रेडियस। ये अगर सेंटर है तो सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट मीन्स ये वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 30 सेंटीमीटर है। अब आपको बोला गया कि फोकल लेंथ फाइंड आउट कर दो। अब आपको पता है फोकस जो होता है वो क्या करता है, इस पूरे डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये 30 है इट मीन्स सी से एफ तक का डिस्टेंस 15 होगा, एफ से पी तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। तो देखो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है, आर की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 30 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करनी है एफ की वैल्यू, फाइंड आउट करनी है। तो देखो फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ।
तो देखो f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r की वैल्यू आपके पास कितनी है 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर आ जाएगी।